भोजपुरी स्टार रवि किशन गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने अपने फिल्मी अंदाज में लोगों को जोड़ने की कोशिश की, साथ ही अपने अंदाज में विपक्षियों पर भी तंज कसा। विरोधी है जब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे नहीं होता, ये लोग पगला गया। आजम खान देखो पगला, सब पगला गया, ये लोग अपना ही नोचने लगा। थोड़ी देर में लोग अपने आप को नोचने लगे, जब हार दिखाई देती तो आदमी स्वयं को नोचता। इनके नोची उनके नोची कोई नहीं मिलेगा स्वयं को। ये लोग देखना 23 मई के बाद खुद को नोच, ये लोग एकदम झूठा झूठी हो जाएगा। जब ये लोग सड़क पर झूठा झूठी स्वयं करेगा, लोग पागल हो चुका, क्योंकि इन लोगों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। इन लोगों की दुकान ही बंद हो रही। मोदी जी योगी जी ने इन लोगों का दुकान का शटर डाउन करने की तैयारी कर दी। अब इन लोगों को लग रहा है कैसे वंशवाद होगा, कैसे कमाई हो, कैसे हीरा बनाएगा, कैसे हम फॉरेन कंट्री में लैंड खरीदा, अब मैं बड़ी बड़ी गाड़ी कैसे खरीदूंगा, अब मैं अपने बाल बच्चा के लिए कुर्सी जो बचा के रखा था वो कहाँ जाएगा, पार्टियाँ ना चली। इन लोगों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। इस 23 मई के बाद इन पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाए, इन लोगों की पहचान लोग भूल जाएंगे, क्योंकि ये स्वार्थी लोग थे। तो भाई वो देखिएगा, कुछ नहीं, पूरा गोरखपुर मंत्रमुक्त है, कमल का फूल दिख रहा है, मोदी जी का चेहरा है, योगी जी का चेहरा है, हर सीट पर हिंदुस्तान में मोदी जी लड़ रहे हैं। मैं खाली चौकीदार है, इसने 50,000 परिवार को चूल्हा जलाया है। उनको बोलना करो 50 परिवार का चूल्हा जलेगा, पूछना बेटा पूछना। मैंने ये नाचने वाला लड़का रवि किशन, वो मेरा प्रोफेशन, मैं गरीब ब्राह्मण था, तो मैंने एक्टिंग की दुनिया में, मैं रामलीला में सीता बनता, 600 फिल्म किया, पूरा विश्व सम्मान कर रहा। ये नाचने वाला बोलते हैं, लेकिन यही बेटा नाचने वाला 50,000 परिवार का चूल्हा जलाने वाली इंडस्ट्री बना दिया, जिसका नाम है भोजपुरी। उनको बोलना आपने 50 परिवार को भी कभी खिलाया है, रोजी रोजगार दिया है? ये खोपड़ा है ना, हमारा विजन बहुत तगड़ा है। इन लोग को बोलने दो बेटा, वो आजम खान वहाँ घुंघरू वाले बोले ठुमका लगाएंगे स्त्री पे। ये अपोजिशन का काम है कि लोग हमारे नारियों पे, महिलाओं पर हनन करने लगे हैं, अश्लील बातें करने लगे हैं। ये इन लोगों की विचारधारा सोचो कितनी गई है। इन लोगों ने अपने ही बिरादरी के लिए कभी कुछ नहीं किया, उसी बिरादरी पे नाच करते हैं। इनके बिरादरी वाला एक आदमी बोल दे हमको, ये जोन अपोजिशन का बिरादरी है, जिनका इनका वोट बैंक है, बिरादरी का कभी घर बनाए इन लोग, कोई बोल दे कि हम भैया हमारा जीवन सुधार देना, मेरा तो बाल बच्चा सेट कर दिए हैं ये मायावती जी, अखिलेश यादव जी, बोलो नहीं। इनके बंगले देखोगे 50-50 कमरे के, और वही गरीब गुरबा आदमी वही सड़ रहा है। रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अपने अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। अब देखना ये होगा कि जनता उनको कितना पसंद करती है और गोरखपुर की कुर्सी किसको मिलती है। गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।